नमस्कार। पेंटिंग बनाने से पूर्व थोड़ा बहुत आप लोगों को अभ्यास करना है पेंसिल का, और उससे पहले जब भी आप काम शुरू करें 20 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करें। 20 मिनट में 15 मिनट मेडिटेशन और 5 मिनट प्राणायाम करें। प्राणायाम इसलिए ज़रूरी है कि आपको आने वाले समय में बहुत फाइन लाइन करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको श्वास रोकनी पड़ेगी। श्वास को अंदर लेके रोकना है और फिर आपको लाइन करनी है, तो वो सब चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। लेकिन पेंटिंग हम शुरू करें, बसोली पेंटिंग शुरू करें, उससे पहले थोड़ा सा उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने पहली बार ये पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन किए, तो उनको मैं कुछ टिप्स देना चाह रहा हूँ कि 2 दिन आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। पहले तो ये है, इस तरह से जब ये प्रैक्टिस होने लगे आपकी, आपको 2-3 घंटे इसी तरह से ये इस तरह से आपको तिलक बनाने। और ये जो चीज़ है, ये आपके जो फिंगर के मूवमेंट है उसको परफेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप लाइन, मेरी उंगलियों का फ्लो देखिए, ये एक चीज इसी को कंटिन्यू करना है। कितनी दूर तक आप ले जा सकते हैं, सिर्फ पेंसिल से प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपका मन करे आप पेंसिल को घुमाइए, उससे क्या होगा, ये जो फिंगर है इनका मूवमेंट हमें कहाँ तक जा रहे हैं ये देखने वाली बात है, कि अगर आपने कोई लाइन यहाँ से शुरू की है तो वो कहाँ तक आप पेंसिल की लाइन ले जा सकते हैं। यहाँ तक मतलब आपको ब्रश की भी प्रैक्टिस करनी होगी, तो ये चीज़ देखने वाली बात है। ये पूरे दिन आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों को। कुछ भी बनाइए, फिंगर का मूवमेंट होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे दिन भर 2-3 घंटे, फिर आपको इन ये जो मैं कैरी की और पान करो, जैसे ये है, अगर इसकी प्रैक्टिस हो गई तो आप पेंटिंग में बहुत कुछ चीज़ें बना सकते हैं। तो इसी को हम इस तरह से लेंगे,
ये वही कह रही है। ये प्रैक्टिस कीजिए। कान की प्रैक्टिस कीजिए। नाक की प्रैक्टिस कीजिए। होंठ की प्रैक्टिस कीजिए। जब ये प्रैक्टिस आप पूरी कर रहे हैं, आज के दिन एक दिन पूरा आपको 4 से 5 घंटे तक इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। आपको कान बनाने हैं, आपको नाक बनाना है। इस तरह से आप जब पूरी प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कल आपको ब्रश से भी लाइन करनी है। आपके पास में जैसी भी ब्रश हो, ज़रूरी नहीं कि बहुत फाइन ब्रश हो। मुझे पता है अभी लॉकडाउन का पीरियड है, बहुत से साधन आपके पास हैं, कुछ के पास नहीं है, कुछ के पास तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। कोई बात नहीं, अगर आपके पास पेंसिल और कागज़ है तो उनसे भी हम सब कुछ पूरी पेंटिंग बना सकते हैं। अगर हम ये जैसे पूरी पेंटिंग बनाएंगे तो खाली पेंसिल से भी आप उसको ड्रॉ करिए, ट्रेसिंग करिए, उसमें शेड लगाइए, तो प्रेसिंग पेंसिल से भी आपकी ये पूरी पेंटिंग बन सकती है। हम जब शेडिंग लगाएंगे तो जैसी आँख है तो इसमें भी हम पेंसिल से किस तरह से शेड लगाते हैं ये आप देखिए। पेंसिल से बहुत अच्छी पेंटिंग बनती है। मैं आपको कुछ मेरे फ़ोटोज़ शेयर करूँगा जो केवल पेंसिल से ही मैंने पूरी पेंटिंग बनाई है। और मेरे गुरु गोविंद रामदेव जी हैं, बड़े मेरे ब्रदर भी हैं, तो वो तो सिद्ध हस्त हैं केवल पेंसिल से पेंटिंग बनाने में। तो आपको उनकी भी पेंटिंग्स मैं समय समय पर दिखाऊँगा। तो कोई बात नहीं, केवल पेंसिल है तो उनसे भी आप मिनीचर पेंटिंग्स की बेसिक चीज़ आप सीख सकते हैं। और जब लॉकडाउन खोले तो आपको बाज़ार से सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरह से आप धीरे 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 पेंसिल से भी ये ऐसे करिएगा, आप शेडिंग लगाइए। पारंपरिक चित्रकला बहुत पेशेंस का काम है। आप धैर्य बना के रखें और जितने धैर्य से काम करेंगे आपकी पेंटिंग उतनी ही अच्छी बनेगी। अब जैसे अगर ये शेडिंग तो आप ये इस तरह से फिंगर से मिक्स करिए। और जहाँ थोड़ा और डार्क करना है तो ना उसके शेड लगाइए। ये मैं इसलिए करके बता रहा हूँ कि कई बहुत से हमारे जो कला प्रेमी हैं, आर्ट स्टूडेंट हैं, उनके पास रंग नहीं होंगे, ब्रश नहीं होंगी, और अगर हैं तो पेंटिंग करने के लायक नहीं होगी। या कईयों के पास में मेरे पास फ़ोन आए थे, मेल भी आए थे कि उनके पास ऑयल पेंट के कलर हैं वो हैं। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, आप सिर्फ पेंसिल है तो आप उसी से आप अपनी कला को जो अभ्यास है वो शुरू रखें और पारंपरिक चित्रकला की ये यात्रा जारी रखें। इस तरह से हल्की से पेपर को आप घुमाते हैं। जब इस तरह से जब आप करने लगें, आपकी प्रैक्टिस हो जाए सब तरह से,
ये ध्यान रखें यहाँ हम डार्क करेंगे, ये गहरी डार्क यहाँ होगी, इससे कम डार्क हम यहाँ, और ये बिल्कुल लाइट होगी इन दोनों से साइड लाइट। तब हमारी ये प्रैक्टिस आपको दो दिन तक करनी है, जो मैंने पहले भी बताई, और इसको सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से प्रैक्टिस करनी है आपको। आपसे अगर ना बने तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आपको डे वन से मैं पेंटिंग सिखा रहा हूँ। मैंने तो 3 साल तक केवल पत्थर, वाइट पत्थर है उसी की गुटाई की थी, और वाइट रंग खड़िया बनाई थी उसकी खड़िया से, वो भी मैं आपको बताऊंगा उसका क्या महत्व है हमारी पारंपरिक चित्रकला में, खड़िया का जो वाइट रंग बनता है और उसकी गुटाई का क्या महत्व है, क्योंकि उसकी जब गुटाई करते हैं तो पूरी कलाई का मूवमेंट होता है। ये ऑर्नामेंट्स बनेंगे सब, और आगे क्लास होगी उसमें मैं एम्बोज कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा इन ऑर्नामेंट्स का, लेकिन अभी मैं इस क्लास को जटिल ना करते हुए बहुत सरल तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ। और वो जो आपने पान की डिज़ाइन बनाई थी वो इस पर, ये हमारे जयपुर में सांगनेरी ब्लॉक प्रिंट की बहुत सी डिज़ाइन देखने को मिलेगी, ये ब्लॉक प्रिंट डिज़ाइन, इसको बोलते हैं आकृति और आवृत्ति का सिद्धांत। ये इस तरह से जब आप पूरी डिज़ाइन बनाएंगे तब, और इस ये राउंड, जब आपकी प्रैक्टिस होने लगी जब गई तो आप इसी तरह से फ्लो से आप लाइन कर सकते हैं। तो एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि ये बनाने से पहले आपको ये आँख है, ये नाक है, यहाँ नाक भी मैं आपको बताता हूँ दो तरह से, एक तो ये है इसमें एज झलकेगी उसका भी मैं आपको बताऊंगा, और एक ये अगर हम यहाँ का कट नहीं लेंगे तो ये सुंदर, कई तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ये कान है, यहाँ रोक दें, यहाँ से ले इसके बराबर एक सिंपल सी लाइन करें, सी बराबर क्वेश्चन मार्क जैसे होता है, ये जितना सरल तरीके से करेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा।
ये हो। तो मैंने जैसे बताया कि दो दिन हमें प्रैक्टिस करनी है। पहले तो इस तरह से इस तरह केवल जो डिज़ाइन आप बना सकें, जो आपको मन में आए, जैसा आप चाहें। जिनके पास केवल पेंसिल है तो वो इस तरह से शेड भी लगा सकते हैं, केवल पेंसिल से अगर वो पेंटिंग बना रहे हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि हम इसको कितने नीचे तक ले जा सकते हैं, ये हमारा जो ब्रश कहाँ तक जाएगा, तो ब्रश वहीं तक जाएगा जहाँ तक आपकी पेंसिल जा रही है। इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी है पेंसिल से। तो दो दिन तक हम सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से प्रैक्टिस करेंगे, और आप जो भी चित्र बनाएं वो हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको उसके बारे में और गाइडेंस देंगे। हम आपको बताएंगे कहाँ आपकी कमी है और उस कमी को कैसे दूर किया जाए। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे, मैंने 5 मिनट में बनाया, हो सकता है आपको 5 सप्ताह लग जाए उस चीज़ को बनाने में, सीखने में। लेकिन चूँकि हमारे पास टाइम कम है, हम बहुत शॉर्ट पीरियड में आपको बहुत कुछ करवाना चाहते हैं। एक तरह से मैं ये कहूँ कि गागर में सागर की तरह मैं आप इस दोहे को चरितार्थ करना चाहता हूँ। 2 सप्ताह में आपके घर में एक बसोली स्टाइल की पेंटिंग में बनवा कर लगवाना चाहता हूँ। तो उसमें मेरे साथ आपको भी सहयोग करना है, आपको पूरी रूप तन और मन लगा करके इसमें जुट जाना है, मेडिटेशन करना है, एकाग्र होकर करना है।